नमस्कार। हैप्पीनेस एंड वेलबींग की श्रृंखला में ये हमारा 8वां सेशन है, पार्ट 5 एज स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव वेलबींग। इस श्रृंखला में जो हमने पहला वीडियो चुना है वो महात्मा बुद्ध के संदेश से होश या जागरण क्या है। इस आधार पर हम लाइफ को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होश में, यानी कि हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारी भावनाएं पूरी तरह से होशो आवास में हो जब हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हों। ये जो तरीका है इसको हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन यानी कि विपसना मेडिटेशन में और अधिक होश में या जागरण में रहना सीखते हैं। फिर हमारी लाइफ में कोई रिग्रेट या कोई सॉरी की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि जब हमने कोई भी एक्टिविटी करी थी या जो भी हमने काम किया था उस तरह से उस टाइम पर हम पूरी तरह से होशो आवास में थे। इसका जो ठीक विपरीत व्यवहार हुआ वो बेहोश या जागरण में ना होना। यहाँ बेहोश का लिटरल मीनिंग नहीं है, बल्कि अगर हम हैबिचुअल रिएक्शंस में बंधे होते हैं और हम अपनी लाइफ में हैबिचुअल रिएक्शंस यानी आदतन जो हमारा व्यवहार है उसमें हम पूरी तरह से इंडल्ज रहते हैं या लिप्त रहते हैं और हम आदतों के अनुसार अपना व्यवहार करते जाते हैं। ये जो व्यवहार है हमारा, ये एक ऐसे बछड़े की तरह होता है जो अपनी मन मर्जी से इधर उधर घूमता रहता है। यानी कि हमारा जो व्यवहार है वो एक्सटर्नल फैक्टर से या हमारे सोच अनुसार जो इधर उधर दौड़ती रहती है, हमारा व्यवहार भी उससे प्रभावित होकर इधर उधर दौड़ता रहता है और हम किसी भी काम में पूरी तरह से फोकस्ड नहीं होते। इस दौरान क्योंकि हमारा व्यवहार, सोच और भावनाएं आपस में एक तालमेल के साथ नहीं रहती, तो हमारा अपनी लाइफ का जो चार्ज है वो 100% हमारे हाथ में नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है और जो आइडियल सेल्फ है उन दोनों में भी एक डिस्क्रिपेंसी बनी रहती है। जैसे एक स्टूडेंट पढ़ता ना हो और जब भी उसे पूछा जाए कि क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो वो कहेगा कि हाँ मुझे जरूर पढ़ना चाहिए या मैं कल इतना पढ़ूंगा, और फिर वो वापस से उस दौरान ना पढ़ पाए। तो आइडियली तो आप समझते हैं कि मुझे ये व्यवहार करना चाहिए, लेकिन आप उसे अपनी दिनचर्या में एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण, आपके इधर उधर के भटके विचारों के कारण आप उसको कंसंट्रेट नहीं कर पाते और जो चाहते हैं वैसा व्यवहार भी आप नहीं कर पाते। आप इस श्रृंखला का जो ये पहला वीडियो है, होश या जागरण क्या है, ये सुनिए, आपको पसंद आएगा। बुद्ध कहते हैं मनुष्य को होश पूर्वक जीना चाहिए, उसे अपने होश का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में कभी कभी होश में आता है और अपना सारा जीवन बेहोशी में ही निकाल देता है। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और वो बुद्ध से बोला, बुद्ध कल जब आप गांव आए थे तब आपने कहा था कि सभी मनुष्य सोए हैं, उन्हें जागृत होना है, सभी बेहोश हैं, उन्हें होश में आना है। मैं आपकी बात नहीं समझा बुद्ध, मैं रोज सुबह उठता हूँ, जागते हुए पूरा दिन काम करता हूँ, रात को सो जाता हूँ और वो तो सभी सोते हैं। आप भी रात को सोते हैं और सुबह जागते हैं, तो आप सभी को जागने और होश में आने के लिए क्यों कहते हैं? तो क्या हम सभी जागते समय भी जागृत नहीं हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम थोड़े जागृत हो इसलिए तुम यहाँ आए हो। ये बात तो मैंने सभी गांव वालों के समक्ष कही थी, लेकिन वो सोए हैं इसलिए उनमें से कोई भी ये सवाल लेकर यहाँ नहीं आया। तुम यहाँ आए क्योंकि तुमने मेरी बातों पर संदेह किया और यही जागने की पहली सीढ़ी भी है। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध मैं आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा हूँ, हम सभी रोज जागते हैं फिर भी आप कौन से जागने की बात करते हैं? बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है? व्यक्ति बोला, हाँ बुद्ध 20 साल पहले मेरा विवाह हो चुका है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारी कोई संतान है? व्यक्ति बोला, हाँ बुद्ध मेरे 2 पुत्र हैं। बुद्ध ने कहा, जब तुम पहली बार पिता बने थे और तुमने अपने पुत्र को अपने हाथ में लिया था तब तुमने क्या महसूस किया? वह व्यक्ति बोला, बुद्ध वो अनुभव बहुत ही अलग था, ऐसा लगता था कि सारी दुनिया की खुशियां सिमट कर मेरे हाथ में आ गई हैं।
उसने छोटे हाथों से मेरी उंगलियों को पकड़ा था। अपनी छोटी छोटी आंखों से वो मुझे देख रहा था। उसके शरीर से खुशबू आ रही थी। मैं वो अनुभव शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ बुद्ध। बुद्ध ने कहा, क्या ये अनुभव तुम्हें आज भी होता है जब तुम अपने पुत्र को देखते हो? व्यक्ति ने कहा, वैसा अनुभव तो नहीं होता बुद्ध, लेकिन आज भी मैं अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता हूँ। बुद्ध ने कहा, कुछ मौकों पर मनुष्य कुछ जागता है, जैसे तुम अपने पुत्र के जन्म पर जागे और तुमने वो अनुभव किया जो तुमने उसके बाद आज तक फिर कभी अनुभव नहीं किया, क्योंकि उसके बाद तुम अपने पुत्र के प्रति सो गए। वास्तव में हम सभी संकेतों पर जीते हैं। नए रिश्तों के जन्म के समय हम थोड़े जागते हैं और उसके बाद हम फिर उस रिश्ते के प्रति सो जाते हैं, और इसके बाद जब वह रिश्ता मर जाता है तब हम फिर से जागते हैं और रोते हैं, शोक मनाते हैं, और फिर सोचते हैं कि अभी तो मैंने ये रिश्ता ठीक से जाना भी नहीं था, जैसे तुमने अपने पुत्र के जन्म के समय उसके अस्तित्व का बोध किया। वैसे ही एक जागृत मनुष्य पूरी प्रकृति का बोध करता है। जब तुम सुबह रोज उठते हो तो केवल वही काम करते हो जो रोज करते आए हो। तुम किसी के प्रति जागृत नहीं रहते, ना तुम अपने पुत्र के प्रति जागृत रहते हो, ना अपनी पत्नी के प्रति और ना ही समाज के प्रति। तुम केवल संकेतों पर जीने लगते हो। तुम्हें सिर्फ एक चेहरा याद रहता है कि वो तुम्हारे पुत्र का है, तुम्हारी पत्नी का है, वो तुम्हारे रिश्तेदारों का है, या फिर वो तुम्हारे समाज का है। उसके अलावा उनके अस्तित्व का बोध तुम्हें नहीं होता। ये केवल तुम्हें तभी होता है जब वो तुमसे बिछड़ जाते हैं। जब तुम जागृत हो जाओगे तो तुम्हें प्रकृति का पूर्ण बोध हो जाएगा। जागरण कुछ और नहीं, केवल हर समय पूर्ण रूप से जागृत रहते हुए अस्तित्व को स्वीकार करना है। हम कभी ये भूल ना जाएं कि हमारा अस्तित्व कहाँ है, किससे बंधा है। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला कि बुद्ध, मैं आज तक सोया ही था, मुझे नहीं पता था कि जागरण क्या होता है। आपके कारण आज मुझे पता चला कि वास्तव में जागृत होने का मतलब क्या होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसका मैसेज है 100% इन प्रेजेंट, राइट हियर राइट नाउ, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ 100%। ये हो सकता है जब हम अपना ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं। तो इस श्रृंखला में जो हमने अगला वीडियो लिया है वो है ध्यान और इसके लाभ, जो श्री श्री रविशंकर फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग की वीडियो सीरीज से हमने इसे चुना है। अब स्पिरिचुअलिटी में ही नहीं, साइकोलॉजी में और इसके जो रिलेटेड फील्ड हैं, उन सब जगहों पर भी मेडिटेशन का जो इफेक्टिवनेस है वो वेल डॉक्यूमेंटेड है। अब कोई गुंजाइश नहीं है कि हम इस पे कोई भी कन्फ्लिक्ट पैदा करें। हमें सबको पता है कि साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल ब्रेन एक्टिविटीज में, हमारी परफॉर्मेंस में, मेमोरी, लर्निंग और इसके बहुत सारे और भी फायदे हैं जो साइंस में भी बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट हुए हैं। अगर हम इसका एग्जांपल एक ही यूनिवर्सिटी मैरिशी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट USA से लें तो वहाँ पर 300 से ज़्यादा रिग्रस साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं, जिनमें हर तरह का जो बेनिफिट है वो डॉक्यूमेंट किया गया है। और इस यूनिवर्सिटी में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन पे सबसे ज़्यादा काम होता है। तो अब ये बहुत क्लियर पॉइंट है कि मेडिटेशन करने के हमें बहुत तरह के बहुत सारे फायदे होते हैं। आप ये वीडियो सुनिए ध्यान और इसके लाभ श्री श्री रविशंकर की आवाज़ में। श्रृंखला में हमारा तीसरा वीडियो है ध्यान कैसे करें, ध्यान करने के क्या तरीके हैं। बहुत तरह का है, जिसमें से मेडिटेशन में कई बार हम चैंटिंग करते हैं, कई बार हमें सांस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बोला जाता है। इस तरह के मेडिटेशंस में हम अपने माइंड को टेम करते हैं, जो हमें सोचना है, जो हमें करना है, जहां हमें ध्यान लगाना है वहीं हम अपना ध्यान लगा पाएं। और इस प्रक्रिया से हम सीखते हैं कि जहां हमें ध्यान लगाना है हमारा ध्यान वहीं लगे, ना कि इधर उधर भटके।
इसी तरह के जो दूसरे मेडिटेशंस हैं, जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन या विपस्ना मेडिटेशन, इन मेडिटेशंस में हमें सिखाया जाता है कि ऑब्जर्व योर थॉट्स बट डोंट इंडल्ज। अपने विचारों को आप ऑब्जर्व करिए लाइक थर्ड पर्सन, लेकिन इनमें आप लिप्त मत हुए। इस क्रिया में, इस प्रक्रिया में हम अपने थॉट्स और इमोशंस को डिस्कनेक्ट करना सीखते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे कैसे भी विचार चल रहे हों, उसका हमारे शारीरिक मानसिक प्रक्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि थॉट्स जब हमारे इमोशंस को ट्रिगर करते हैं उसी दौरान हमें इमोशनल रिएक्शंस आती हैं, जो हमारी माइंड पर, हमारी बॉडी पर उसकी रिएक्शन रहती है। तो आप देखिए अगला वीडियो, ध्यान कैसे करें और ध्यान करने के क्या तरीके हैं। पिछली वीडियो में मैंने मेडिटेशन के बेनिफिट्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मेडिटेशन आखिर एग्जैक्टली करते कैसे हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं वो ये है, वेयर कैन आई मेडिटेट, मतलब हम मेडिटेशन कहाँ पे कर सकते हैं। इसका सिंपल आंसर है, कहीं भी। जी हाँ, कहीं भी। चाहे आप किसी कुर्सी पर बैठे हो या फिर किसी पार्क के बेंच पे, आप जहाँ चाहें वहाँ मेडिटेशन कर सकते हो। इसे आप कहीं भी इसलिए कर सकते हो क्योंकि मेडिटेशन में शरीर का कोई मूवमेंट नहीं होता है, ये एक माइंड की एक्सरसाइज जैसी होती है। पर एक चीज इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कहीं भी मेडिटेशन करो पर अपनी बैकबोन को जितना हो सके उतना सीधा रखने की कोशिश करो। जी हाँ, ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रूल है। बेड पे लेटे हुए ही अगर आप अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करोगे तो आप ये जरूर नोटिस करोगे कि आपको नींद आने लगेगी, और अगर किसी आरामदायक कुर्सी पर बैठ के करते हो तब भी आपको नींद आने लगेगी। इसलिए मेडिटेशन का सबसे बेस्ट तरीका है सीधा बैठकर किसी भी आसन में करना। बाकी सब पोज में भी मेडिटेट कर सकते हो, पर ये आसन वाली टेक्निक सबसे बेस्ट है। आसन वाली मेथड सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि जब भी आप किसी आसन में बैठते हो जैसे पद्मासन, तब आपकी बैकबोन स्ट्रेट होती है और इसके चलते आपको नींद नहीं आती। आसन में अपने बैकबोन को स्ट्रेट करके बैठने के बाद आप अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि वाह, कितने आराम से तुमने बोल दिया कि मन को शांत कर लो, पर ये उतना आसान नहीं है। तो मैं जानता हूँ कि मन को शांत करना इस दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है, पर अगर आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अच्छे से अपने मन को कंट्रोल कर सकोगे। जैसे आप अपने मन को शांत करने की कोशिश करोगे वैसे आपके मन में और भी विचार आना शुरू हो जाएंगे, और तब आप अपने सांस पर ध्यान लगाना, आपके नाक से हवा आपके अंदर कैसे जा रही है उस पर ध्यान लगाने की कोशिश करना, सांस कैसे अंदर बाहर जा रही है उस पर ध्यान लगाइएगा। ये सांस पर ध्यान लगाने वाली ट्रिक सबके लिए सबसे बेस्ट काम करती है। जब भी मन में कोई ख्याल आए तब आप अपने ध्यान को सांस पर लगा दीजिए, और अपने ध्यान को सांस पर तब तक लगाए रखिए जब तक आपके विचार कम न हो जाए। विचार आपका ध्यान वापस खींचेगी, पर आप अपने ध्यान को वहीं सांस पर लगाए रखना। जब आप इसे पहली बार करोगे तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा कठिन होगा। आपका ब्रेन सोचेगा कि अरे ये क्या कर रहे हो, सांस पर ध्यान लगाने से क्या होगा, उससे अच्छा कुछ काम करो। पर ये सब आपके ब्रेन की ट्रिक्स है। पर जैसे जैसे वक्त बीतेगा आप बहुत देर तक अपने ध्यान को सांस पर लगाए रख सकेंगे। आप अपने ध्यान को एक चीज पर फोकस करते हो और इसी के चलते आपकी फोकस मेडिटेशन में बहुत बढ़ जाती है, और इसके चलते जनरल लाइफ में भी जिस चीज पर चाहे उस चीज पर आप फोकस कर सकोगे, चाहे वो पढ़ाई हो या ऑफिस का कोई काम। वैसे मेडिटेशन के बहुत तरीके होते हैं, जैसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, हार्ट रिदम मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। जो मैंने आपको अभी सांस वाली ट्रिक बताया वो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। माइंडफुलनेस का मतलब होता है किसी चीज का अवेयरनेस होना, और इस ट्रिक में आप अपने सांस पर ध्यान लगाते हो, अपने सांस के एग्जिस्टेंस के बारे में अवेयर होते हो।
जितने भी मेडिटेशन के तरीके हैं, उनमें से सबसे बेस्ट और सबसे इजी तरीका है ये। और एक सवाल जो हमारे मन में उठता है वो ये है कि चलो अगर हमने बहुत देर तक सांस पर फोकस कर भी लिया तो कितने दिन तक, मतलब कितने दिन तक अगर हम लोग ऐसे ही अपने सांस पर डेली फोकस करेंगे तो हमें मेडिटेशन का फायदा बुझाएगा। देखो, इसका कोई डिफाइनाइट आंसर नहीं है। इसका सिंपल आंसर है, जितनी देर तक आप मेडिटेशन करोगे आपको उतना ही फायदा होगा। अगर आप सिर्फ 2 मिनट तक मेडिटेशन करोगे तब भी आपको फायदा होगा, और अगर आप 1 घंटे मेडिटेशन करोगे तब भी होगा। पर अगर जनरल ड्यूरेशन की बात करें तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक मेडिटेशन करना चाहिए। यार, कई लोग कहते हैं कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो मैं तो यही कहूंगा कि पूरे दिन के 1440 मिनट में से कम 10 मिनट तो निकालिए। 10 मिनट की मेडिटेशन अगर आप 1 हफ्ते तक करोगे तब आपको अपने अंदर बेनिफिट्स बुझाने लगेगा। 1 महीने बाद ये बेनिफिट्स और भी बढ़ जाएगा, और 3-4 महीने की रेगुलर मेडिटेशन के बाद ये बेनिफिट्स अल्टीमेट स्टेज तक पहुंच जाएगी। वैसे इसकी टाइमलाइन कभी खत्म नहीं होगी, पर 3-4 महीने के बाद आपको कुछ बड़े चेंजेस दिखने लगेगी अपने अंदर। इसलिए मैंने ये वर्ड अल्टीमेट यूज किया। इससे आगे और भी बहुत कुछ है। मेडिटेशन का फाइनल गोल होता है इनलाइटनमेंट, पर इनलाइटनमेंट के लिए सालों की मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सच में बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस करना है तो आपको मेडिटेशन डेली करना चाहिए। अगर पर्सनली मैं आपको रेकमेंड करूं तो मैं आपको सुबह उठने के बाद के टाइम को रेकमेंड करूंगा। 1 हफ्ते बाद आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगेगी। इसकी बेनिफिट्स एक्चुअली इंसान के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर आपका लाइफ कुछ ज्यादा ही स्ट्रेसफुल है तो आपको 2-3 हफ्ते भी लग सकते हैं, पर अगर आप एक यंग टीनेजर हो तब आपको बेनिफिट्स बहुत जल्दी दिखने लगेगी। जो भी हो, पर जनरल लाइफ में बेनिफिट्स आपको 1 हफ्ते बाद ही बुझाने लगेगा। अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि ध्यान कैसे एक तरह से इंटरवेंशन प्रोग्राम की तरह काम करता है, ध्यान एक इंटरवेंशन स्ट्रेटजी है, हो सकती है, और इसीलिए इसके इतने सारे फायदे गिने गए हैं, चाहे वो साइकोलॉजी में हो, फिजियोलॉजी में हो, या हमारी ब्रेन चेंजेस हो, या हमारी परफॉर्मेंस चेंजेस हो, लर्निंग हो, मेमोरी हो, हर जगह हम इसके बहुत सारे फायदे पाते हैं। तो अगर हम साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस पर फोकस करें तो ये 2 एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं जिसके कारण अगर हम ध्यान करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें स्ट्रेस नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, एंग्जाइटी स्ट्रेस नहीं होगी। पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कि जब हम कहीं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वो हमारा सांस है, चाहे वो कोई मंत्र है, या कहीं और हम जब अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उस दौरान हमारा ध्यान स्ट्रेसफुल इवेंट पर नहीं है, स्ट्रेसर पर नहीं है। हम जानते हैं स्ट्रेस मीन्स हम अपने दिमाग में स्ट्रेसर्स अटेंड कर रहे हैं, तो इस दौरान हमारे दिमाग में कोई भी स्ट्रेस पैदा करने वाली प्रक्रिया नहीं चल रही है, इसलिए माइंड मेडिटेशन के दौरान हम स्ट्रेस फ्री हैं। दूसरी जो इसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है वो ये कि जो स्ट्रेस है उसकी जो नेचर है वो एडिटिव है। अगर आप स्ट्रेस एक दिन स्ट्रेस्ड हैं, आप इसे रिजॉल्व नहीं कर रहे, अगले दिन जहां से आप अपनी दिनचर्या शुरू कर रहे हैं वो स्ट्रेस का लेवल वही रहेगा, और ये स्ट्रेस लेवल 1 by 1 बढ़ता जाता है, और एक दिन हम इस पे एक सीरियस साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी अपनी बॉडी में देखते हैं इस स्ट्रेस के कारण। अगर हम मेडिटेट करते हैं या कोई और इंटरवेंशन स्ट्रेटजी अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं जिनका जिक्र हम अगले सेशन में करेंगे, उस दौरान आपका माइंड और आपकी बॉडी इस प्रोसेस को रिपेयर कर रही है। तो अगर आप पूरे दिन स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहे और किसी पर्टिकुलर टाइम में आप मेडिटेट कर रहे हैं, मेडिटेट के दौरान क्योंकि आप उस स्ट्रेसर से दूर हैं, इस दौरान आपका माइंड और आपकी बॉडी आपको रिपेयर कर रही है, और आपका जो स्ट्रेस लेवल है इस दौरान वापस से नॉर्मल लेवल पे आ जाता है।
ये इसका दूसरा फायदा हुआ। तो मेडिटेट करना, ध्यान करना, योगा करना, ये सब हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और हमें इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए। थैंक यू। अगले सेशन में हम ऐसी स्ट्रेटेजीज को कंटिन्यू रखेंगे और अगली स्ट्रेटेजीज जो हमारी हैप्पीनेस और वेलबींग को बढ़ाने में कामयाब सिद्ध हुई है उनका जिक्र करेंगे। धन्यवाद।